हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, दिस इज़ ओंकार बंगेवा एंड इस वीडियो में हम कुछ बातें शेयर करेंगे भी से रिलेटेड टू योगा होगा और डे टू डे लाइफ में योगा बहुत ज़रूरी है। अभी आने वाले जनरेशन में तो योगा बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड हमारा जो कुछ भी लाइफ शेड्यूल है, आईटी इंडस्ट्री हो या गवर्नमेंट इंडस्ट्री हो या आपकी जॉब हो या डे टू डे लाइफ हो, उसमें स्ट्रेस बहुत आता है। तो विदाउट स्ट्रेस और हैप्पी कैसे रहना है, तो ये योगा में सिखाना है। तो योगा में कुछ ऐसे तीन पार्ट्स होते हैं योगा के, कि टाइप्स ऑफ योगा उसमें है अष्टांग योगा, विन्यासा और उसका है अयंग योगा। तीनों के स्टाइल्स नियर अबाउट सेम ही है, बट डिफरेंस बिटवीन सच पोस्चर्स एंड लर्निंग कैपेबिलिटीज एंड फ्लेक्सिबिलिटीज एंड डूइंग ऑफ मेथड्स, दैट्स द डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल दिस थ्री योगा पैटर्न्स। तो उसमें से मैं जो मैं योगा करता हूँ ये अष्टांग योगा करता हूँ, और तीनों योगा में एक बात कॉमन है कि वो मेडिटेशन है। विदाउट मेडिटेशन ऑल थ्री योगा आर नॉट कम्प्लीटेड, क्योंकि हम कितना भी एक्सरसाइज कर ले, कितना भी योगा कर ले, कितना भी वर्कआउट कर ले, अगर लास्ट में अपन मेडिटेशन नहीं करते हो ना, तो वो लॉस ऑफ एनर्जी जो होता है अपने वर्कआउट में, तो वो कंजर्व एक पॉइंट पे आके रुकना, उस प्रोसेस को कहते हैं मेडिटेशन। विदाउट मेडिटेशन एक्सरसाइज इज नॉट कम्प्लीट, सो यू हैव टू डू मेडिटेशन एट द लास्ट मोमेंट आफ्टर डूइंग ऑल दिस एक्सरसाइज और योगा और वर्कआउट एवरीथिंग। ओके, सो मैं योगा के बारे में कुछ बताने से पहले मेरी खुद की थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहूँगा कि जो मैं योगा में इतना इंटरेस्ट क्यों लेता हूँ, क्योंकि योगा इतना पैशनेट क्यों हूँ। जब मैं सेकेंड ईयर में था, ड्यूरिंग माई कॉलेज और ग्रेजुएशन आई वॉज लर्निंग इन फेयर्स, एंड जब मैं सेकेंड ईयर में था तो मेरे कुछ सब्जेक्ट्स वगैरह ऐसे थे कि थोड़ा सा क्रिटिकल थे, और उसी दौरान में मेरे माइग्रेन जो कि अर्ध डोकोदुक्त, जो कि मेरा माइग्रेन से आई वॉज सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन, और बहुत सारे फिजिकल एस्पेक्ट्स थे, बहुत सारे इंजुरीज थे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे फिजिकल्स, तो आई वॉज सफरिंग फ्रॉम दैट एंड मेंटली स्ट्रेस बहुत था, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम से गुजरने से और वैसे माइग्रेन भी था, तो पढ़ाई अच्छे से नहीं होती, और दूसरी बात तो मार्क्स कम आते थे, उसके वजह से घर पे टाट पड़ती थी, तो उसके उस दैट्स व्हाई आई वाज दैट टाइम बहुत फिजिकली स्ट्रेस्ड था। तो ऐसे ही मॉर्निंग सुबह मैं जा रहा था, तो योगा कैंप दिखा, ऐसे ही योगा कैंप ज्वाइन कर दिया। स्टार्टिंग इनिशियली मैं जस्ट योगा को ऐसा जस्ट करना ही बहुत कर रहा, लेकिन आफ्टर जैसे मैं करता गया तो आई वॉज रियलाइजिंग द योगा इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द रिलीफ फ्रॉम मेंटली स्ट्रेस और फिजिकली स्ट्रेस। आफ्टर सिक्स मंथ्स मेरे को रियलाइज हुआ कि जो मेरा माइग्रेन था विदाउट एनी गोली, विदाउट एनी मेडिटेशन, विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट, ऑटोमेटिकली कम हो गया। क्योंकि योगा से पहले मैंने एलोपैथिक, होम्योपैथिक जैसे बहुत सारे ट्रीटमेंट कर लिए, लेकिन 100% क्योर नहीं हो पाया। तो योगा से वो माइग्रेन चला गया, तो सोचो कि आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा हम फिजिकली इतना फिट रह सकते हैं। योगा से मुझे इतना बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट हुआ है, तो मैं योगा को इतना इंस्पायर हो रहा हूँ कि मैं योगा रोज करता हूँ। अभी 3 साल हुआ है योगा डेली करता हूँ और सिखाता भी हूँ। तो संदीप कॉलेज हमारा MCA का जो कि नासिक में है, संदीप फाउंडेशन कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, उसमें कुछ क्लब्स है, जैसे कि सन क्लब है, सन टॉप क्लब है, साइबर सिक्योरिटी क्लब है, तो उसमें से एक ऐसे क्लब है जो कि योगा रिलेटेड है, योगा एंड मेडिटेशन, तो उस क्लब में मैं ज्वाइन हुआ हूँ। तो देखते हो उसमें, और मेन बात तो संदीप कॉलेज का कैंपस बहुत अच्छा है, तो उसमें योगा करने में बहुत मज़ा आएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जब हम नासिक में आएंगे तब मिलेंगे ज़रूर। थैंक यू।